उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 2 लाख से अधिक सीटों के बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स कराया जाता है और इसमें आपको जो है प्रवेश की प्रक्रिया के आधार पर आपकी काउंसलिंग कराई जाती है एंट्रेंस एग्जाम में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की, और फिर आपको जो है एडमिशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाता है और आपका जो है प्रवेश किया जाता है। अब इसके लिए जो योग्यताओं को लेकर के बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार किन्हें बीएड करनी चाहिए और किस योग्यता के आधार पर आपको करनी चाहिए, तो आप जो है इसको ध्यान से समझेंगे, मैं आपको कंप्लीट कर करके बता रहा हूँ और कौन कितने प्रकार की भर्तियों में शामिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के साधारण तौर पर ग्रेजुएट जिसको बोला जाता है अर्थात अंडर ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं, यूआर कैटेगरी में आप हो तो आपको जो है यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए होंगे, और अन्य कैटेगरी में आप हो जैसे आपकी जो कैटेगरी होती है या आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो अभी आपको जो है 50% मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे, या फिर आपकी जो कंडीशंस बनती है वो बनती है एससी या एसटी कैटेगरी को लेकर के जो आरक्षित वर्ग है तो 45% आपको चाहिए होंगे। इसमें पुरुष हो या महिला हो सभी को जो है एक समान योग्यता रखी गई है, या आप पुरुष हैं या आप महिला है इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, आपकी मार्किंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन के बारे में बताया है, और ग्रेजुएशन के अलावा या आपने की हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी, तो यदि किसी कारण से ग्रेजुएशन में आपकी मार्किंग कम है तो पीजी में आपको वही मार्किंग रखनी होगी, यूआर या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% है कम से कम, और एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए 45% है कम से कम रिक्वायरमेंट। तीसरी कंडीशन बनती है अपीयरिंग स्टूडेंट्स की, तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर रखे जाते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए योग्य, यदि आपने फाइनल ईयर की में जो है एडमिशन लिया है या फाइनल सेमेस्टर में आप जो है पढ़ रहे हो तो आपको जो है मौका दिया जाता है उत्तर प्रदेश बीएड में अपना फॉर्म भरने का। तो इसमें क्या है, यदि आप ग्रेजुएशन के अपीयरिंग में आप जो है पढ़ रहे हो तो आप जो है इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपकी जो एडमिशन है वो आपकी कंप्लीट होते ही आपकी ग्रेजुएशन और आपका हो जाए। तो इसमें क्या है कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो हैं इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग वालों की परसेंटेज का तो कोई अनुमान ही हो सकता है लेकिन ये श्योर नहीं है कि किसकी कितनी परसेंट है। तो अपीयरिंग वालों को जो है मौका दिया जाता है आवेदन करने का, लेकिन जब आपकी कंप्लीट होती है ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ग्रेजुएशन में आपको जो है यहाँ पर वही प्रक्रिया दिखानी होगी, यूआर के लिए 50% और ओबीसी के लिए एससी या एसटी के लिए 45%, तो वही प्रक्रिया आपको जो है यहाँ पर दिखानी होगी। अब ये जो दुविधा है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स की ये आती है क्योंकि इसकी जो काउंसलिंग होती है वो होती है आपकी जून में, तो जून में इसकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, और अपीयरिंग का जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का आता है आपका जुलाई या अगस्त में, तो जुलाई या अगस्त में आपका एडमिशन की प्रक्रिया जो है लगभग कंप्लीट हो जाती है, केवल डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बनता है। तो इन लोगों के लिए जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए गवर्नमेंट सीट जो है नहीं मिल पाती है, अर्थात ये जो है केवल प्राइवेट के लिए ही, और प्राइवेट में भी अच्छे स्तर के कॉलेज इन लोगों को नहीं मिल पाते हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स की ये दुविधा रहती है। तो ये मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है। दूसरी बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज में यदि आपकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी कोर्सेज होते हैं जैसे कि आपकी बीटेक है और आपका जो है बीबीए है या आपका जो है बीसीए है, तो ये जो आपके जो कोर्स हैं इनको जो है इस तरीके से मैनेज किया जाता है। इसमें क्या आता है कि आपकी बीए बीएससी या बीकॉम या बीएससी एजी उस तरीके के जो कोर्स हैं वे तो ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं बीटेक बीबीए बीआर्क बीसीए इस तरीके के जो कोर्सेज हैं या आपके मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कोर्सेज हैं तो उनके लिए कंडीशंस अलग है। उनके लिए यूआर या ओबीसी कैटेगरी है तो आपको जो चाहिए होंगे वो 55% चाहिए होंगे अर्थात 5% ज़्यादा। इसी तरीके से एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको चाहिए होंगे यहाँ पर 50%। तो कुल मिलाकर के क्वालिफिकेशन की वीडियो के माध्यम से मैंने स्पष्ट कर दिया है, फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।